नमस्ते गाइस, वेलकम टू जीके चालीसा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की जो आरओ एआरओ को वैकेंसी है, उसके एग्जाम को सिर्फ 60 दिन रह गए हैं, 60 डेज। तो 60 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो उसके लिए दोस्तों, पहली चीज है कि हम भटकना बंद कर दें। बहुत सारे कोर्सेज निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल निकल रहे हैं, और अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो हमारी तैयारी सही नहीं हो पाएगी। तो एक ही सोर्स पर स्टिक रहें, जैसे घटना चक्र। अब इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ें, अलग अलग सोर्सेज से तैयारी करें, करंट अफेयर पढ़ें और अलग चीजों से पढ़ें। आप बस एक चीज करिए कि घटना चक्र से पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए, और एग्जाम में जो करंट अफेयर आने वाले हैं उसके लिए आप एक सोर्स यूज करिए, जैसे कोई भी एक सोर्स आरओ एआरओ के लिए। अलग अलग सोर्स से पढ़ेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। जैसे अगर आप दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो दृष्टि पे ही स्टिक रहिए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, टू द पॉइंट। बस तैयारी के लिए सबसे बेस्ट टू द पॉइंट नोट्स हैं। दृष्टि के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, करंट अफेयर्स, और घटना चक्र के भी नोट्स सबसे अच्छे हैं। तो आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, किसी नोट से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बस एक ही चीज पर स्टिक रहिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए और इधर उधर मत भटकिए। चार सोर्सेज को चार बार पढ़ने से अच्छा है एक सोर्स को कई बार पढ़ो और बार बार उसका रिवीजन करो। प्लस करंट अफेयर भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें एक ही सोर्स से पढ़ना है और उसे बार बार पढ़ना है ताकि एग्जाम में हम उसे रिकॉल कर सकें। तो दोस्तों, मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि सिर्फ एक सोर्स घटना चक्र पे फोकस करें, और इन 60 दिनों में हम बस यही कर सकते हैं कि घटना चक्र पे फोकस करें और उसका बार बार रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। सो यही है स्ट्रेटेजी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की। थैंक यू।